नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जमकर जुबानी जंग चल रही। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को वक्त वक्त पर घेरती नजर आ रही है। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कभी डिप्टी सीएम अखिलेश यादव को उनकी गलतियां याद दिलाते नजर आते। अब ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक और जोरदार हमला बोला। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ यूपी की सियासत अपने अलग ही रंग में नजर आ रही है। क्या कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जिसकी वजह से अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आ गए। डिप्टी सीएम ने बरेली में सपा अध्यक्ष पर करारा हमला बोला। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियों पर भी डिप्टी सीएम ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस, सपा और बसपा कहीं पता भी नहीं चलेगा। भाजपा सहयोगी दलों के सहयोग से प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश मोदी में है। नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव पर बड़ा दावा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष पस्त हो चुका है। डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन पर दिए गए बयान पर कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी स्पष्ट नीतियों से ही तमाम उपलब्धियां प्राप्त की है। भाजपा में सबका साथ सबका विकास विचारधारा पर काम हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि क्या अखिलेश यादव भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा लेकर गए थे। अखिलेश यादव ने कभी भी मंच से भारत माता की जय नहीं बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा की ताकत है। अब लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आज घर घर तिरंगा लहर है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार की विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गांव को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है। ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ को योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वहीं हाल ही में उन पर ओपी राजभर ने भी जमकर निशाना साधा था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।